नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जिस तरह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे ठीक उसी तरह प्रश्न लेकर आया हूं ऑप्शंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि जो अंत तक टिकेगा वही जीतेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 5 सेकंड दिए जा रहे हैं। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर दो, अगस्त क्रांति जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त क्रांति जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं गांधी जी के द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था। द टॉय बैंक के निर्देशक कौन है? एक बैंक है द टॉय, इस बैंक के डायरेक्टर कौन है? ऑप्शन नंबर डी, विद्या गोयल। तो ध्यान रखिएगा, द टॉय बैंक के निर्देशक है विद्या गोयल। और यहां पे इंपॉर्टेंट प्रश्न, द टॉय बैंक का आदर्श वाक यानी कि द टॉय बैंक का मोटो क्या है? तो इसका मोटो आपका क्या हो जाएगा, एक ऐसी दुनिया जहां सभी बच्चों को स्वस्थ खेलने के माध्यम से सशक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर चार, 2020 के लिए किसे वास्तुकला की विश्व राजधानी के रूप में चुना गया है? विश्व राजधानी तो यह है आपका रियो डी जेनेरियो और ये ब्राजील में है। क्वेश्चन नंबर पांच, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1517 में खतौली का युद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर छह, कल्याणकारी राज्य के विचार संविधान में कहां निहित है? ऑप्शन नंबर बी, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में। सात नंबर, पाकिस्तान से निर्यात होने वाले सामान पर नया शुल्क क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 200%। अगला प्रश्न, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे। ऑप्शन सी, 29 जुलाई को। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील विटामिन का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी कहां है? ऑप्शन ए, नेपिटाओ।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी असम। अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। और दोस्तों आपको एक बात बता दें, आप ये मत सोचिएगा कि सर शॉर्ट वाला आंसर वाला वीडियो लाने लगे, सिर्फ आंसर बताते हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम जो है डिटेल्स में आंसर के साथ वीडियो फिर से लेकर आएंगे, ओके, डिटेल्स में उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत ज्यादा होगा। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 1930 में हुआ था, इस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय था। देखिए यहां पे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, ये कहां हुआ था? तो ध्यान रखिएगा रियो डे जेनेरियो, ओके, और ये कहां है? ये है ब्राजील में। अगला प्रश्न, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी फोटोमीटर। किसने लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग पुस्तक का विमोचन किया? ऑप्शन नंबर ए अमित शाह। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? यानी कि दासी अट्टम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? भरतनाट्यम ऑप्शन डी, और भरतनाट्यम कहां का है? तमिलनाडु का, ओके। पूछा गया है कि भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन बी सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या 2011 के मुताबिक सिक्किम की है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की। और यहां पे आपका बिहार आंसर इस तरह से होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे घनत्व वाला राज्य कौन है, यानी कि घनत्व के दृष्टि से सबसे ज्यादा किस राज्य में जनसंख्या है, तब आपका होगा बिहार, ओके। अगला प्रश्न, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी करता है। अगला प्रश्न, किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, हरियाणा में कौन सा पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन नंबर सी राखी गढ़ी। कौन सा अनुच्छेद भारतीय वित्त आयोग से संबंधित है? ऑप्शन डी 280। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, किन राज्यों में गोल्डन फाइबर मुख्य रूप से उगाया जाता है?
ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में गोल्डन फाइबर बहुत अच्छे तरीके से उपजाया जाता है। किसे देश बंधु के रूप में जाना जाता है, यह पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है बहुत ज्यादा। देश बंधु किसे कहा जाता है? यह है आपका चितरंजन दास, ऑप्शन सी। आखिरी प्रश्न 25 नंबर, पुस्तक कारगिल के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, दीपक सुराना। 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न आपके लिए है, सामान्य आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कि हमारा आंख सबसे कम कितना सेंटीमीटर तक स्पष्ट तरीके से देख सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको बता दें कि इसके पहले वाले अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा इस आई बटन पर, वहां पे आपको बिहार पुलिस के लिए साइंस, जीके, जीएस का सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यहीं पे आपको प्ले लिस्ट भी मिलेगा बिहार पुलिस का, जहां पर आपको बिहार पुलिस के सारे वीडियो मिल जाएंगे एक साथ, वहां पे आप साइंस का क्वेश्चन जरूर देख लें। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।